और आपके पास प्राइस क्या है स्टार्टिंग? प्राइस हमारा स्टार्टिंग यहाँ पे हमारे यहाँ 1 लाख से स्टार्टिंग है 1 लाख से, जी। और सीजन में उससे कम में भी मिल जाता सीजन में होगा? से कम में भी मिलता है, हमारे 70,000 की भी गाड़ी आती है, 60,000 की भी रहती अच्छा, 60-70 हज़ार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग चित्रा में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आए हैं गीदम रोड में है, जो जगदलपुर से 1-1.5 किलोमीटर आगे ही है। हरी ट्रैक्टर्स करके शॉप का नाम है और स्वराज का डीलरशिप भी है। तो पूरा डिटेल्स भैया के थ्रू बताएंगे किस प्राइस में है और फाइनेंस की सुविधा की है कि नहीं है, कि कौन कौन सा ट्रैक्टर्स है, पूरा डिटेल्स। और भैया के थ्रू अगर अभी तक जगदलपुर का वीडियो यहाँ बना भी नहीं है तो पूरा एंड तक देखना वीडियो को, क्योंकि यहाँ का प्राइस क्या है अभी तक किसी को पता नहीं है। तो यहाँ का प्राइस कम हो सकता है, फाइनेंस की सुविधा में बेनिफिट हो, तो पूरा डिटेल्स भैया के थ्रू लेते हैं। आइए भैया, आपका नाम क्या है? दुर्गेश, दुर्गेश मदेश। दुर्गेश मदेश, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये कब से है शॉप? ये करीबन 3 साल हो गई हमारी अच्छा शॉप यहाँ तीन पे चालू साल हुए शॉप जी। और ये एड्रेस बता दीजिए, लैंडमार्क। एड्रेस हमारा गीदम रोड पंडरी पानी NH 60। अच्छा, NH 60 जी। करके। और यहाँ फाइनेंस की सुविधा है कि नहीं? फाइनेंस की सुविधा है नए गाड़ी पे, पुराने गाड़ी पे मतलब कितने साल हुई है गाड़ी, ये डिपेंड करता है गाड़ी अच्छा, के ऊपर, मतलब मॉडल का देख मॉडल के देख ऊपर कर। डिपेंड करता है। अगर गाड़ी हाँ 2015 की है, 16 की है, अगर तो फिर उसमें रिफाइनेंस वगैरह अच्छा, अवेलेबल रिफाइनेंस हो है जाता है। जी। और जैसे किसी को नाम ट्रांसफर के लिए इंक्लूड रहता है? हाँ, सब चीज हम लोग सारा चीज करवा के देते अच्छा, हैं करवा कस्टमर के को देते हैं जी, क्योंकि कस्टमर्स को। हमारे जो किसान रहते हैं ना, इनको उतना आइडिया नहीं रहता, हाँ ये हाँ क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हाँ हैं, हाँ तो सही बोल रहे इनको हैं। हम लोग क्या है, जितना ज्यादा सुविधा देंगे तो ये हाँ, आगे बढ़ते और हैं। आपके पास प्राइस क्या है स्टार्टिंग? प्राइस हमारा स्टार्टिंग यहाँ पे हमारे यहाँ 1 लाख से स्टार्टिंग है 1 लाख से, जी। और सीजन में उससे कम में भी मिल सीजन जाता में से होगा? कम में भी मिलता है, हमारे 70,000 की भी गाड़ी आती है, 60,000 की भी रहती अच्छा, 60-70 हज़ार में भी आ जाता। अभी जी। आपके पास कौन कौन सा है? अभी हमारी यहाँ खड़ी है अपनी स्वराज भी एक्सचेंज में आई हुई है, जो हाँ काफी पुरानी है, 21 साल पुरानी है, अच्छा, 21 साल पुरानी इक्कीस है। साल पुरानी है। उसके बाद जॉन डियर है, मेसी है, हाँ हाँ महिंद्रा है, सोनाली का भी आई है, आइसर भी एक्सचेंज में आई अच्छा, हुई तो है, न्यू हॉलैंड भी है चलो हमारे पास स्टार्टिंग से देखते हैं कौन कौन सा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं मैसी से। भैया, ये मैसी कौन सी मॉडल होगी? ये मेसी 2012 मॉडल है, 12 10-35 मॉडल डी है। आई अच्छा, हाँ। 10-35 DI है। कितने HP में आता होगा? ये अपनी 35 HP के आसपास, 35 HP थर्टी में। फाइव PTO पावर कम रहता है ना हाँ, इसका कम रहता है। इसका? डबल डिस्क क्या का ब्रेक से आता है ना, डबल हाँ, ब्रेक के ब्रेक साथ? से, ब्रेक से, ये सादी ब्रेक है इसमें भी अच्छा, सादा ही ब्रेक है। हाँ ये हुड वगैरह सब कंप्लीट करके हाँ ये दिया हम लोग जाएगा? कंप्लीट करके देंगे अच्छा, पूरा, टायर्स वगैरह जो? टायर वगैरह जैसे अगर इससे ज़्यादा अगर हाँ टायर हाँ खराब रहेगा तो कस्टमर जैसा उसका नीड रहेगा, हाँ हम हाँ लोग गाड़ी से भी एक्सचेंज अच्छा, करवा के सामने जो ऐसे ही बात होता है उसके हिसाब उसके से, हिसाब से दे बाकी देंगे। हुड वगैरह पूरा लगा के। हाँ, इसका मीटर बंद है कि चालू है इसका अभी? मीटर अभी बंद है, अभी बंद गाड़ी है। जब जाने का रहता है ना हाँ तो एक हाँ दो दिन का समय लेते हैं, उसके बाद पूरी अच्छा, रेडी रेडी करवा करके देते देते हैं। हैं। इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस अभी हमारे यहाँ रखे हैं इसका 2,30,000 रुपये। 2,30,000। आने के बाद नेगोशिएबल होगा? हाँ, हो जाएगा। इसके कंडीशंस भी देखते हैं कि कैसा है इसका कंडीशंस। बाकी ओके करके दिया जाएगा पूरा हाँ सीट हाँ पूरा वगैरह? ओके करके दिया जाएगा गाड़ी को। अच्छा, सेम ये मैसी और है शायद, ये मैसी फर्ग्यूसन 241 DI है। ये कौन सी मॉडल होगी भैया? ये 2013 मॉडल है, 2013 13 मॉडल का मॉडल ये वाला। हाँ, बाकी इसका कंडीशन उससे थोड़ा उससे थोड़ा बेटर है बेटर इसका है। कंडीशन, इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, इस कितने ये HP में दो आता है? अच्छा, ये प्राइस HP बोले तो ये ना 42 HP के आसपास है इसकी, 42 HP के हाँ, इसका आसपास आता PTO है। हॉर्स भी थोड़ा ठीक है उससे, अच्छा उसके अच्छा अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग ठीक है। और बाकी ये पूरा रनिंग कंडीशंस में हाँ, है, पूरी रनिंग कंडीशन में है अभी इसका प्राइस क्या रखें? ये, अपना 2,80,000 की आ जाएगी। रिपासिंग क्या होगा इसका? कल यहीं के अच्छा, जगदलपुर की है हाँ, जगदलपुर पूरे 17 जगदलपुर है हाँ, ना, सीजी सीजी 17, 17 वो भी 17 वो का। भी सीजी 17 अच्छा, आने के बाद इसमें भी नेगोशिएबल होगा? हाँ, इस पे भी हो प्राइस जाएगी क्या रिपेयरिंग, बताया थे इसका? इसका 2,80,000 दो लाख अस्सी हज़ार। इसके बाद है ये महिंद्रा का, ये भी ये काफ़ी बहुत पुरानी पुरानी है मॉडल है। हाँ, 2008 की मॉडल है ये अच्छा, 2008 की मॉडल है। ये है 265 DI, भूमिपुत्र। भूमिपुत्र के नाम से भी बहुत ट्रैक्टर चलती है बहुत क्या? चलती है इसमें, भूमिपुत्र 2,65 आता है, हाँ, 4,75 आता है, अलग अलग आते जिसमें हैं ये। 275 का डिमांड ज़्यादा देखा हूँ। हाँ हाँ ये कितने HP में आता होगा? ये ये अपनी 35 HP में आती है, 35 HP में। इसका प्राइस क्या रखे होंगे? इसका प्राइस है हमारे यहाँ एक हाँ लाख 70,000 के आसपास।
अच्छा 1,70,000। ये बुक हो चुकी है गाड़ी। अच्छा अभी ये बुक हो चुकी है नांगर केजुअल के साथ। अच्छा नांगर कैजुअल के साथ। अच्छा कंप्लीट रहेगा तो ये भी बता देना कि नांगर कैजुअल मिल रहा है जैसे कि नहीं मिल रहा है। आता है हमारे एक्सचेंज में, जैसे कोई कस्टमर नांगर के साथ एक्सचेंज कर दिया हाँ, या कोई कुछ ट्रॉली हो गया हाँ, जैसे हाँ, जैसे वो सेकंड हैंड ट्रॉली उधर खड़ी है, तो अच्छा जैसा आता है हम लोग वो हिसाब से फिर कस्टमर को देते हैं। अच्छा और ट्रॉली का डिमांड क्या क्या प्राइस में होगा? ट्रॉली हमारे यहाँ स्टार्ट रहता है 90,000 से स्टार्ट अच्छा है। 90 हाइड्रोलिक है हाइड्रोलिक और नॉर्मल सादा में? नॉर्मल सादा तो अभी चलन बंद हो गया अच्छा यहाँ पे, बंद हो गया। अभी क्या लेबर प्रॉब्लम जैसे हो वो रहा है। आता होगा तो उसका प्राइस क्या रहता होगा? जैसे सादा वाला ही 60,000 65,000। 60,000 65,000 में। ये सेम महिंद्रा है, ये भी है ये DLX ना, 4x75 भूमि है, भूमि पुत्र पुत्र है है। ये भी। हाँ, सेम वैसी है। मॉडल कौन सा होगा ये अपने 2011-12 मॉडल है, 2011-12 11-12। मॉडल है। अच्छा ये कितने HP में आता होगा? ये भी अपनी वही 35-40 HP में आती है, 35-40 16 KD में HP। आती है। अच्छा इसका प्राइस क्या रखें? ये हमारे यहाँ है, बाकी तो पूरा रेडी करके दिया हाँ, जाएगा। पूरा रेडी करके दिया जाएगा। ये अपनी भी वही आ जाएगी 230-240 के आसपास अच्छा दे दी जाएगी। 230-240। जैसे कुछ प्राइस का डिफरेंस लगेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपको मिल जाएगा, कॉल कर लेना। भैया का भी नंबर मैं दिला दूंगा। और इसके बाद है स्वराज। ये हमारे यहाँ काफी पुरानी ट्रैक्टर है, दिख नया जैसा रहा है। अच्छा ये थोड़ा डेंटिंग वेंटिंग हुआ है हाँ, क्या? डेंटिंग अच्छा वेंटिंग हुआ है। ये हाँ 2001 मॉडल है, ये 2001 का एक मॉडल मॉडल है, है। हाँ, तो इसका तो इंश्योरेंस वगैरह नहीं होता होगा? इसका अभी कुछ नहीं हो पाएगा, अच्छा थर्ड पार्टी जिसको इंश्योरेंस हो सकता है बाकी, इसमें। लेकिन कंडीशंस ओके है रनिंग में? कंडीशन ओके, रनिंग में है गाड़ी, काफी अच्छी 735 कंडीशन FPI है। अच्छा हम लोग कस्टमर को बहुत ज्यादा कन्विंस किए थे, तब जाके इसको एक्सचेंज किया था, वरना कर ही नहीं रहा था। कन्विंस करने पे वो एक्सचेंज तो हुआ है। किया है। हाँ, ये कितने HP में आता होगा ये? ये इसका इस वाली प्राइस? 39 HP की अच्छा 39 HP में। जी, प्राइस क्या रखें इसका? इसका हमारे यहाँ प्राइस है 2,70,000। 1,70,000। हाँ, टोटल बाकी कंप्लीट हो गई है गाड़ी, बोर्ड वगैरह के साथ। ये अच्छा भी अच्छा बुक हो चुकी है। ये भी बुक हो गई है क्या? अच्छा इसके बाद देखते हैं कौन सी है। ये तो और पुरानी ही लग रही है ये मैसी 241 DI। कौन सी मॉडल है ये? ये अपनी 2010 मॉडल है। 10 का मॉडल है। इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करके दिया जाएगा? हाँ, कंप्लीट है, कंप्लीट बिल्कुल। करके दिया जाएगा। कितने HP में आता है ये? ये भी अपनी सेम वही HP की 42 मॉडल है है। क्या? अच्छा बाकी मीटर वगैरह ऑन है कि बंद है? अभी ऑफ ही है। प्राइस क्या रखें इसका? इसका प्राइस 2 लाख के आसपास आएगा। 2 लाख के आसपास। कंडीशंस थोड़ा देख लेते हैं। और अभी आपके पास कब आता है सेकंड हैंड में अभी क्या है, यहाँ पे अपने ना क्वार्टर हिसाब से चलता है। अच्छा जैसे अभी हमारा सीजन पूरा ऑफ हो गया है, हाँ अभी अभी तो हमारा, सीजन ऑफ हाँ, है। अभी हमारा नया सीजन अभी चालू हो जाएगा, सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर 10-15 तारीख से अच्छा ये हमारा, सितंबर हाँ, दस नवंबर पंद्रह तक चलेगा, दिवाली के आसपास तक। अच्छा अच्छा फिर जब धान कटाई का टाइम आएगा ना, हाँ उसके बाद फिर ऑफ हो जाएगा। फिर धान कटाई के बाद जब इन अच्छा लोग अच्छा बेचते हैं ना, हाँ फिर सीजन चालू होता है। ये कौन सी है ये? अच्छा ये जॉन डियर है, ये, जॉन डियर हाँ, है इसका, 51-51-03 5103 जी। है। हाँ, ये ये चालीस कितने HP एचपी में की आता ये है? 40 HP की है। 40 HP में। और प्राइस क्या रखे होंगे इसका? ये क्या है, थोड़ा इसका पेपर वगैरह का थोड़ा सा दिक्कत था, हाँ इसलिए इसका प्राइस भी कम है बाकी हमारे यहाँ। चारों टायर नए हैं। चारों टायर इसका नया कस्टमर टोटल काम कर गया था। अभी मैं इसका क्लच वगैरह का काम भी करवाया हूँ, पूरा कंप्लीट कराया अच्छा हूँ। क्लच ये वगैरह हुड सब, वगैरह पूरा दिया हुड जाएगा वगैरह ना? पूरा कंप्लीट, सीट वगैरह सब नया डले हुए हैं इसमें, हाँ काफी इसका अच्छी प्राइस क्या कंडीशन रखे है। हैं? ये हम लोग 1.5 लाख के आसपास दे छोड़ देंगे इसको। अच्छा दे मॉडल क्या बताया? मॉडल इसका है अपना 51-03। नहीं वो तो हो गया। इसका कौन सी मॉडल है? दो ये हजार हमारे यहाँ है ना, 2007-08 की मॉडल है ये, 7-8 की 1.5 लाख में छोड़ छोड़ देंगे? देंगे। इसका मेन डॉक्यूमेंट नहीं है ना। अच्छा डॉक्यूमेंट के हाँ, कारण ये है, भी चीज़ मतलब थोड़ा जिसको बाकी है, लेना होगा डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम नहीं है तो ले ले सकते। सकता है। ये सोनालिका ये DI सोनालिका थर्टी है, नाइन ये कस्टमर छोड़ के गया हुआ है, अभी इसका कुछ रेट का डिस्कशन हुआ नहीं है अच्छा हमारा। रेट का बाकी देख लेना। सोनालिका का जिसको चाहिए होगा कॉल कर सकते हैं। ये महिंद्रा 475 DI। 4x75 ये सेम कितने HP बताए थे उसको? ये सेम वही अपने 40 HP, 49 HP की आती है, सॉरी 39 HP। 39 HP हाँ, में ना? 39 HP में आती है। अच्छा इसको भी पूरा कंप्लीट करके दिया हाँ, जाएगा? ये भी कंप्लीट करके दिया जाएगा। इसका भी अभी काम वगैरह कराए, क्लच प्लेट का इशू था, अच्छा इसका टायर प्राइस वगैरह। क्या रखे? और इसका प्राइस हम लोग 2,60,000 रुपये रखे हैं। इसमें दो क्या लाख है, अभी टायर वगैरह सब नए डले हुए थे, कस्टमर ने डलवाया था। अच्छा हाँ, और एक खेत पे खड़े हो गए थे, क्लच वगैरह जल गया था, अच्छा क्लच जल तो गया। उसको अपन लाके पूरा काम हम करवा के रेडी करके रखे हैं। इसका प्राइस क्या बोले? 2,60,000। 2,60,000। इसके बाद ये स्वराज है। हाँ, स्वराज ये हमारी यहाँ वो वाली गाड़ी है, फाइनेंस करके जो जो आती है ना, अच्छा फाइनेंस से खींचा हुआ, खिंचाया हुआ गाड़ी। बैंक से खींचा ये भी बोलते हैं आपको जो। अच्छा काफी अच्छा रेट में मिल जाएगा, बस किस्त पटाओ और गाड़ी ले जाओ। बैंक से खींचा है ये। अच्छा ये कौन सी मॉडल है? ये 2019 मॉडल है, 2019 का 19 का मॉडल है। वेरिएंट। 834 XM। कितने HP में आता होगा? 35 HP की है। 35 HP। प्राइस क्या रखे हैं और इसका? इसका प्राइस है अभी 1,10,000 रुपये,
किस्त है ना पहला वही हाँ पटाना, और जो बीच का टैक्सेस अमाउंट जो है ना मतलब ये पेपर, मैक्सिमम जैसे कस्टमर को कितना पड़ जाएगा पूरा? ये अपना शायद इसमें दो की एक किस्त बढ़ गया है इसका, एक या हाँ दो किस्त। हाँ उसके बाद ये अपन को कस्टमर अगर लेता है तो हाँ उसका जो जो डॉक्यूमेंट चार्जेस वगैरह रहते हैं, जो हाँ जो ब्याज व्याज लगता है वो तो पड़ गया है, तो अच्छा उसको अगर ये गाड़ी अगर लेता है तो 5.5-6 लाख रुपए के अंदर पड़ जाएगा। अच्छा 5.5-6 लाख हाँ मॉडल बताए थे, 2019 का, 2019 का बता दें। उसके बाद है और कौन सा है? ये सभी न्यू में है कि सेकंड हैंड ये है? सब वही है फाइनेंसर के थ्रू आई है। फाइनेंसर हाँ के स्वराज 735 XM, कितने HP में आता ये होगा ये? 39 HP, 39। और मॉडल कौन सा है? अच्छा ये मॉडल है अपनी, ये भी 2019 मॉडल है। 2019 का मॉडल है ये। मैक्सिमम कितना चला होगा ये? ये 50 घंटे या 60 घंटे ही चला, अच्छा ज्यादा ज़्यादा नहीं नहीं चला है, चला ज्यादा है। नहीं चला। प्राइस क्या रखें? इसका प्राइस भी अपना वही है भैया, 90,000 के आसपास है। 90,000 पटाना अच्छा है किस्त में, पटाना है। उसके बाद फिर गाड़ी ले जाओ, और 6-6 मंथ इसके लिए हमें थोड़ा पेमेंट आपको रहता है। कन्फ्यूज़न लग रहा होगा तो ज़रूर कॉल करना, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़ रहेंगे ही नहीं, वरना सोचेंगे कि 90,000 में कैसे मिल रहा है। ये है स्वराज 735 HP, 2020 मॉडल, ये 2020 39 HP की है, 39 HP। सेम ये भी पावर स्टेयरिंग है। ये कितना पड़ेगा? ये भी आपको 1,10,000 के आसपास पटाना पड़ेगा पहले। अच्छा 1,10,000 पटा और ले जाओ। ले जाओ, अच्छा बेनिफिट यही है। यही है बेनिफिट। उसके बाद ये देखते हैं ये कौन सी है। ये एक्सचेंज में आई हुई है, अच्छा हाँ ये ये 2017 सामने देख मॉडल लेते है, हैं, 735 XM, ये 39 735, ये भी 39 HP की है। HP। हाँ मॉडल क्या है? ये मॉडल 2012 मॉडल है, ये 2012 का हाँ आठ मॉडल है। साल पुरानी है ये भी गाड़ी। रनिंग है? हाँ ये भी रनिंग में है गाड़ी, ये एक्सचेंज में आई हुई है, पासिंग तो सेम जगदलपुर बताया सेम आपने। जगदलपुर ये कितना पासिंग है। चल गया होगा? ये अपनी 1200 घंटे के आसपास चली हुई अच्छा है। 1200 घंटा। प्राइस क्या रखें इसका? इसका प्राइस अपन वही 2-2.5 लाख के आसपास समथिंग भी है, अच्छा मुझे दो लग ढाई रहा लाख है के बीच में ही बीच मिल में ही मिल जाएगा। जाएगा आपको। उसके बाद ये फार्म टेक चैंपियन है, ये कौन सी मॉडल है? ये 39 HP की है, ये अपनी हाँ 2011-12 का मॉडल है ये भी, अच्छा लेकिन इसका 2011, रेट अभी अपन नहीं निकाले हैं, डिसाइड नहीं हुआ है डिसाइड रेट। नहीं हुआ है रेट वगैरह। फिर भी इसका कितना रखा ये करो? अपन 2 लाख के अंदर ही रहेगा ये भी। 2 लाख के अंदर ही है। इसके बाद देखते हैं ये सेम स्वराज 735 HP, इसका हुड लगा दिया जाएगा? हाँ इसका हुड लगा के दिया जाएगा, ये तो HP बता 39 में आता है ये क्या? 39 HP में ही आता है ये अच्छा भी। मॉडल कौन सा है? ये मॉडल 2008 मॉडल है, 8 का मॉडल है। हाँ प्राइस क्या मॉडल रखें है इसका? ये, वही 1,90 के आसपास, ये भी 1,90,000 1,90,000 के आसपास है। थोड़ा कंडीशन थोड़ा पूरा ओके कर, पूरा टायर ओके वगैरह तो करके ठीक दिया है, अभी जाएगा। चल टायर जाएगा वगैरह ठीक तो पूरा सब में ओके है अपने अंदर। है। इसके बाद ये आयसर है, आइसर ये कौन सी है? ये 2012 तीन सौ मॉडल है, तैंतीस है क्या? आइसर 333, 2012 मॉडल दो है हजार ये भी। बारह मॉडल। कितने HP में आता होगा? ये अपनी 35 HP में आती है, 35 HP में। 35 प्राइस क्या की। रखें इसका? इसका प्राइस अपने यहाँ है भैया ये 16-10 हज़ार के आसपास आएगी टोटल कंप्लीट 2 लाख। करके। और जैसे आपके पास अदर स्टेट से कोई लेना चाहे तो फाइनेंस हाँ हो जाता है, फाइनेंस कर देंगे? फाइनेंस नहीं, ये नहीं, पूरे कैश में कैश देना में हो पड़ेगा। जाएगा, हाँ अभी ये कैश देना बाकी पड़ेगा, मिल जाएगा। बाकी मिल जाएगा आपको। और पासिंग का तो नहीं इशू नहीं रहेगा ना? नहीं ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा, बाकी नाम ट्रांसफर वगैरह हम लोग सब करवा ही देते हैं अच्छा जी। ये महिंद्रा चार चार पचहत्तर पचहत्तर डी है, सरपंच भी है सरपंच भैया, है ये। कौन से मॉडल है? ये 2010 की मॉडल है, दस दस ग्यारह की मॉडल दस है ये। ग्यारह हाँ की मॉडल। कितने HP में आता होगा? ये अपने वही भैया 42 फोर्टी में आता टू है में ना? आती है। हाँ कितना प्राइस है इसका? इसका प्राइस भी अपने यहाँ प्राइस मैक्सिमम कितना रखे होंगे? ये मैक्सिमम भी अपना वही 2 लाख टच कर जाएगा ये भी। 2 लाख के आसपास है। ये है दो ये स्क्रैप पचहत्तर में डी आई है। है, ये स्क्रैप में अपन लिए थे, ये हाँ 30 से 35 हज़ार में अपन छोड़ते हैं स्क्रैप, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट 40 हज़ार रुपये रहता है। तो इस मतलब इसका क्या बेनिफिट इसका कैसे? हाँ बेनिफिट कुछ नहीं है, ये गाड़ी में जैसे अब स्क्रैप वाले जैसे ले जाते हैं तो कुछ किसी को पंप का जरूरत हो गया, कुछ को कुछ काम रहता है वो रख लेता है, या फिर पूरा बॉडी को मतलब लबरिकेट ये पूरा करके पूरा मतलब ले जा सकते हैं ले 35 हज़ार में? 35 हज़ार रुपये में। और ये अभी चालू है कि नहीं? ये ये चालू नहीं है, बंद है, बंद है टोटल, हाँ इसका टोटल बंद है, कोई डिमांड नहीं। मतलब जिसको लेना होगा कोई डीलर वगैरह लेते हैं या फिर कोई पार्ट्स का पार्ट्स काम का काम करते करते हैं? हैं तो वो अच्छा ले 35 सकते हैं। है ना। थर्टी हाँ इसके थर्टी पास फाइव फार्म टैग है, ये कौन सी है? फॉर्म ट्रैक ये भी बुक हो चुकी है, हाँ अच्छा ये बुक हो ये चुकी भी है बुक बोल हो रहे हैं। चुकी है, तो आगे दो और महिंद्रा है, ये महिंद्रा 344, हाँ अच्छा तीन परसेंट वाला 95 है मॉडल DI, टर्बो सुपर है ना, टर्बो सुपर है, ये भी 35 HP की है, ये भी 35 काफी HP में, पुरानी गाड़ी है, 2011 10-11 की गाड़ी है ये भी। 10-11 की गाड़ी हाँ है, कंडीशन काफी अच्छा है इसका भी, रनिंग है इसका? हाँ रनिंग है, सब अच्छा गाड़ी रनिंग रनिंग में है हमारे मिलेगा। यहाँ, सब गाड़ी रनिंग। इसका प्राइस क्या रखें? ये प्राइस अपने यहाँ इसका अभी फिक्स वैसे नहीं हुआ है, बट ये भी वही 2-10 के आसपास अच्छा टच दो करेगा, दस के आसपास। डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, और अच्छा बार्गेनिंग भी कर और रहे अपन बाकी कुछ जैसे कोई यहाँ बार्गेनिंग तो होगा ही ना, होगा होगा, कम ज़्यादा होगा। हाँ कम ज़्यादा हो सकता है अच्छा कितने HP में बताइए इसको? थर्टी ये अपनी 35 HP में आई है। फाइव HP और सेम ये 475, 42 हो गए। फोर्टी कितने टू कौन सी मॉडल है? ये अपनी 2008-09 की मॉडल है,
8-9 की मॉडल है, की मॉडल है, ये भी अपन 1,70-1,60 के आसपास छोड़ देते, 1,70,000 आसपास ना। और आपके पास नांगर कैजुअल सेकंड हैंड में मिलता है? सब सेकंड हैंड में भी मिलता है। ये कितने तक मिल पाएगा सेकंड हैंड में? सेकंड हमारे यहाँ भी स्टार्टिंग हमारे यहाँ हो जाएगा 6,000-7,000 से स्टार्टिंग हो जाएगा, 6,000-7,000। और ये सब, ये थ्रेसर भी है सेकंड हैंड में आई हुई है, ये अपने 1.5 लाख के आसपास आ जाएगी। इसमें मॉडल का इशू नहीं रहता होगा? नहीं, ये 2 साल पुरानी है। 2 साल पुरानी है, 1.5 लाख में मिल जाएगा। कंडीशन पूरा ओके उसका भी? कंडीशन पूरा ओके है। और अभी कंप्लीट है कि और कोई ट्रैक्टर है आपके पास अभी? बस अभी तो इतनी है। अच्छा, और कुछ बोलना चाहेंगे अभी आप? अभी इससे पहले और ट्रैक्टर लोग आई थी हमारे यहाँ, हाँ, जिसका काफी कम रेट था, जो हम लोग अभी दुर्ग भेजा है, जिसमें से 4-5 ट्रैक्टर दुर्ग गई। अच्छा, है। अच्छा, आपका शॉप और है क्या दुर्ग? नहीं नहीं, शॉप हमारी यही है बस, बस एक तो ही है। बाहर बाहर से भी डीलर वाले लोग आते हैं लेने, कई सारे ब्रोकर आते हैं लेने, बाहर से किसान भी आते हैं। हमारे यहाँ क्या बीच में अभी सीजन चला था, सीजन में हमारे पास कम से कम 40-45 ट्रैक्टर था। अच्छा, इसमें से स्टार्टिंग रेट भी बहुत कम था ट्रैक्टर का, 1,30,000 के आसपास भी थी। अच्छे कंडीशन, अच्छी कंडीशन में था। अच्छा, जैसा रेट आता है हम लोग वैसे छोड़ देते, हम लोग स्टॉक करके अच्छा, नहीं रखते। ऐसा है। और जैसे कोई YouTube देख के आएगा तो बेनिफिट्स मिलेगा कि नहीं किसान भाई को? मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अच्छा, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। बहुत सारे ट्रैक्टर्स दिखाया जिसमें प्राइस आपका स्टार्टिंग 1 लाख बताया और सीजन में 60,000 तक भी मिल जाता है, तो शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।